पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का अडियाला जेल से अहम पैगाम। पहुँच सबकी है, पूरी कौम की है, सिर्फ एक सियासी जमात या सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं। इन्होंने इंतखाबात में इतना बड़ा डाका मारा है और अब आज़ाद अदलिया को भी चलने नहीं दे रहे। इन्होंने पुलिस, नैब और FIA समेत तमाम इदारे तबाह कर दिए हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट बची है जिससे आवाम को उम्मीद है। पुलिस और नैब के इदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रावलपिंडी कमिश्नर इस सब का गवाह है कि पिंडी डिवीज़न में इंतखाबात उसने करवाए हैं। रावलपिंडी कमिश्नर ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सच बातें की तो उसको गायब कर दिया गया। चीफ जस्टिस अगर बेगुनाह होता तो लाजमी रावलपिंडी कमिश्नर को अपनी अदालत में बुलाता। अब मैं ये ऐलान करता हूँ कि अगर इन्होंने अदलिया को तबाह करने की कोशिश की तो मैं सड़कों पर एहतजाज की कॉल दूंगा। मुखालिफ टीम को मैदान में नहीं उतरने दिया गया, फिर भी ये बुरी तरह हार गए। जिनको 20 सीटें नहीं मिली उन्हें जाली मैंडेट देकर बिठा दिया गया। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौम तबाह हो जाती है। मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। उसकी तकरीरी बड़े साहब ने की है और उसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गई है। इससे बुरी और शिकस्त क्या होगी? ऐसा कौन सा एटम बम फटा कि 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से कारकर्दगी में नीचे आ गई और तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर आपने सिफारशी बिठा दिए हैं। मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है? रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसको मैंने चेयरमैन PCB बनाया। मोहसिन नकवी ने इलेक्शन का फ्रॉड और गंदम फ्रॉड किया और उसको वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB बड़े साहब ने मुकर्रर कर दिया। दुबई लीग्स में मोहसिन नकवी की बीवी के $5 मिलियन सामने आए। कहाँ से आया वो पैसा? 2.5 माह से काजी फैज ईसा नैब तरामीम केस का महफूज फैसला नहीं सुना रहे। वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने के मजाका खेज केस में सजा होने के बाद नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगरचे मुझे इस तरमीम से फ़ायदा होगा लेकिन मैं कौम के लिए मुकदमा लड़ रहा हूँ। ये पूरी गेम खेली जा रही है। नवाज शरीफ के 4, शहबाज़ शरीफ के 5, जरदारी और फ्रंटमैनों के 9 रेफरेंसेस फ्रीज पड़े हैं लेकिन मेरे खिलाफ झूठे रेफरेंस पूरी रफ्तार से चल रहे हैं। नैब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी के एहतियात बंद करवा दिए हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी नमल के बाद देहाती इलाके की दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अलकादिर यूनिवर्सिटी में 100% तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अलकादिर यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। यूनिवर्सिटी बंद होने का मुझे नहीं तलबा को नुकसान होगा। बड़े सगीर में तालीम में हम पहले ही सबसे पीछे रह गए हैं। शौकत खानम भी अगर बंद होता है तो लोगों को 10 गुना महंगा कैंसर इलाज करवाना पड़ेगा। मैं एक दिन भी जेल के हस्पताल में नहीं रहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को एयर कंडीशन कमरे और अटैच बाथ दिए गए थे। कैदी मेरे लिए खाना बनाता है, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक हफ्ते में सिर्फ 3 लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त दी जाती है। नवाज शरीफ जेल में 40 लोगों को मिलता था, उसके लिए ओपन हाउस होता था। नवाज शरीफ साफियों से भी अपने कमरे में बैठकर बातें करता था। मैं 6 पार्टी लीडरान के नाम बेचता हूं और हफ्ते में मुझे 30 मिनट के लिए अपनी पार्टी के सिर्फ 3 लीडरान से मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। मेरे इतने ज़्यादा केस हैं लेकिन मुझे सिर्फ 6 वकला से मिलने दिया जाता है। मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है। दिन के 21 घंटे अपने सेल में ही गुजारता हूँ। गर्मी की वजह से सेल ओवन बन जाता है मगर कभी शिकायत नहीं की और ना कभी कहा कि मैं मुश्किल में हूँ। मुझे नहाने के लिए भी दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। मेरी बस एक शिकायत है कि मुझे मेरे बच्चों से बात नहीं करने दी जाती जो मेरा कानूनी हक है। पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि 5 स्टार सहूलियात दी गई हैं। मेरे पास वही सहूलियात है जो सजाए मौत के कैदी को मिलती हैं। ऐसा लगता है ऊपर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है। किस कानून के तहत ये पाबंदी लगा रहे हैं? कि साफ़ी मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। ये मेरा कानूनी और आइनी हक है कि मैं ओपन कोर्ट में सहाफ़ियों और मीडिया से बात कर सकूँ। पाकिस्तानी माशरे में इस्लाम की वजह से ख़वातीन का एक ख़ास मकाम, हुर्मत और इज़्ज़त है। पिछले 7 माह से मेरी बीवी को नाहक कैद में रखा गया है। वो एक घरेलू खातून हैं। उन्होंने कभी हुकूमती उमूर में दखल नहीं दिया और ना ही उनका सियासत से कोई ताल्लुक है। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो मेरी बीवी हैं। इसी तरह पिछले 1.5 साल से मेरी जमात की ख़वातीन के साथ जो नारवा सलूक रखा गया है वो गैर इंसानी और इंतहाई अफसोसनाक है।